बीबी बात है आप, मैंने आपको कितने फोन करे लेकिन आपका फोन ही बंद आ रहा था। कौन सी आफत आ गई जो तुम बार बार मुझे ही फोन किए जा रही थी? आफत नहीं, वो आए थे आपके वो सर मुंह में। मोमिन आए थे? हाँ, लेकिन न जाने उन्हें कितनी जल्दी होती है आने की भी और जाने की भी। आज तो उन्होंने मोहलत ही नहीं दी कॉफी बनाने की। खैर मैंने बेगम साहिबा से मिलवा दिया। किधर थी तुम? ये वक्त है घर आने का? अक्सर इसी टाइम पे घर आती हूँ। तो कम से कम अपना फोन तो ऑन रखो, फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। आपकी मोमिन से क्या बात हुई है? बात वो करने आया था, बात उसे करनी थी। आने की वजह बताई उसने? बताई थी, कह रहा था कोई जरूरी बात करनी है तुमसे। मैंने भी कह दिया कि आइंदा जरूरी बात करने घर आने की जरूरत नहीं है। आपने मोमिन से ये कहा है? माँ, आपने नहीं कहा था कि वो घर आके मेरे रिश्ते की बात करे? माया तुम गलत फहमी में मत पड़ो, उसके तेवर बता रहे थे कि वो ऐसी कोई बात नहीं करने आया तुमसे। उसके तेवर बता रहे थे या आपके तेवर उसको देख के बदल गए? माया, माया, आज आप घर आए थे? शुक्र करो तुम घर पे नहीं थी, वरना तुम्हारी अम्मी को वो सब कुछ बताता जो कुछ तुम यूनिवर्सिटी में करती फिर रही हो। अगर जो मैं कर रही हूँ वो गलत है तो जो आप कर रहे हैं आपको वो गलत नहीं लगता? अच्छा खामोश हो तुम, और आइंदा कॉल मत करना मुझे। क्या हो गया आपको? अल्लाह ने आंखें दी हैं तो देख के नहीं चल सकते? देख के तो तुम लोग नहीं चलते, हर कोई अपनी धुन में इस तरह मगन है कि किसी का कोई एहसास नहीं। कमाल आदमी है आप, गलत ही आपकी है उल्टा आप मुझे डांट रहे हैं। गलत तो सारी दुनिया है पर मानता कोई नहीं, और सबसे बड़ा गलत वो है जो खुद को ठीक समझता है, और जो खुद को ठीक समझता है उसके लिए दुनिया बहुत सख्त है। मैं जानता हूँ दुनिया की हकीकत क्या है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की हकीकत को समझने का दावा मत कर लड़के, अगर दुनिया ने अपना रंग दिखाया ना तो एक ही वार में चित हो जाएगा। जो अल्लाह से डरता है वो हर वार सह जाता है इस दुनिया। जिसके दिल में अल्लाह से डरने का गुरूर समा जाए वो फिर जमाने की आजमाइशों से नहीं बच सकता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ, जो अल्लाह से डरता वो दुनिया की हर आजमाइश बखूबी सह लेता। अरे तूने आजमाइश अभी देखी कहाँ है? आजमाइश तो इस बात की कसौटी है कि अल्लाह से कौन कितना डरता है। मेरा दिमाग खराब मत कीजिए, चाहिए आप मुझे खामखा गुस्सा आ जाएगा, वरना मुझ पर चीखने की जरूरत नहीं है। डर उस वक्त से जब जमाना तेरे ऊपर चीखेगा और तेरी कोई नहीं सुनेगा। बड़ा आया दुनिया को समझने वाला। Thank you.
तूने आजमाइश अभी देखी कहाँ है? आजमाइश तो इस बात की कसौटी है कि अल्लाह से कौन कितना डरता है। डर उस वक्त से जब जमाना तेरे ऊपर चीखेगा और तेरी कोई नहीं सुनेगा। भाई आप अंदर बैठे हैं, बाहर आए ना, सच में बहुत मजा आ रहा है। मैं नहीं आऊंगा बाहर, उसे यहाँ बैठ के ढोलक की आवाज बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम कह रही हो मैं बाहर आ जाऊं? अम्मी भाई से कहना बाहर आ जाएं। अम्मा मैं नहीं आऊंगा ना, अच्छा नहीं लगता इस तरह आके लड़कियों के बीच में बैठ जाऊं मैं। हम आपकी खुशी में खुश हो रहे हैं और आपको हमारी खुशी से कोई गर्ज नहीं। एनी सुनो, अम्मा कैसी खुशी है ये? पूरे मोहल्ले को आप लोगों ने अजियत में डाला हुआ है। अब तुम ऐसा तो मत कहो, आवाजें घर से बाहर तो नहीं जा रही। बाखुदा अगर आपने और अब्बा ने इजाजत ना दी होती ना तो मैंने ये ढोलक शोलक नहीं होने देंगे। अरे बेटा ये खुशियाँ रोज रोज थोड़ी आती हैं, अगर हम घर के अंदर थोड़ी बहुत खुशियां मना लेंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैंने आप लोगों को मना भी किया था कि मेहंदी वेहंदी की रस्म नहीं होगी, लेकिन मेरी सुनता कौन है? अब कल जो भी करना है ना बहुत मुख्तसर कीजिएगा, वरना मूड खराब हो जाएगा मेरा। मेरा मोमिन दूसरों की खुशियों पर मूड खराब कर ही नहीं सकता, इस बात का तो यकीन है ना तुम्हारी माँ को। भाई आप भी हद करते हैं बाबा। भाई के तमाशे देखें आप, आज भी यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। बताया उसने मुझे? अरे तो आज उसकी मेहंदी, आज तो छुट्टी कर लेता। अम्मा मेहंदी आपके बेटे की है, उन लोगों की नहीं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते। अरे बेटा जब काम होता है इंसान छुट्टी कर लेता है। अम्मा अगले 3 दिन की ऑफ ली हुई है मैंने। यही तो कह रहा है, देखो ना वैसे भी मेहंदी रात को होती है, अगर अपनी वो जिम्मेदारी पूरी करना चाहता है तो मत रोक। ठीक है मैं कौन होती रोकने वाली, जब आप बाप बेटा सब तय किए बैठे। ये इल्जाम तो किसी गलत बात पे नहीं दिया। अच्छा चले मुझे इजाजत दे, मैं शाम में जल्दी आ जाऊँ। अच्छा अब मैं जाऊँ? जाओ बेटा अल्लाह के हवाले, खुदा हाफिज। भाई सर आपने मेरी असाइनमेंट्स चेक की? देखिए मैंने आपकी असाइनमेंट चेक की है, लेकिन मुझे अपूदा मार्क नहीं है। आई थिंक आपको थोड़ा सा और देखना पड़ेगा, मैं आपसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोमिन। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक यार, कल आपकी शादी है और आज आप क्लास लेने आ गए। कल है शादी जनाब, आज नहीं है यार, फिर भी चले, गुड लक। थैंक यू। माया तुम गलत फहमी में मत पड़ो, उसके तेवर बता रहे थे कि वो ऐसी कोई बात नहीं करने आया तुमसे। शुक्र करो तुम घर पे नहीं थी, वरना तुम्हारी अम्मी को वो सब कुछ बताता जो कुछ तुम यूनिवर्सिटी में करती फिर रही हो। अच्छा खामोश हो और आइंदा फोन मत करना मुझे। पाने की तुझको आस लगी कि तुझको आस लगी है, कोई दुआ मंजूर हुई, इश्क सफर का रास्ता मुश्किल। आई थिंक शी डजंट नो इट। अगर वाकई सुमेर की बात सही है और कल वाकई सरमोमिन की शादी है तो ये किस उम्मीद पर खुश थी? तुम्हें यकीन है समय पे? वो मुझसे झूठ नहीं बोल सकता साम्या। तो क्या कहती हो, बता दे इसे या फिर जीने दे खुशफहमी में? अगर बता दिया तो हर्ट होगी। हर्ट तो वो तब भी होगी जब उसे पता लगेगा।
हाँ लेकिन तब कुछ कर नहीं सकेगी ना, और मुझे डर है कि कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। अरे सर, मोमिन ने किसी और से ही शादी करनी थी तो फिर माया को उम्मीदें क्यों दिलाई? आई थिंक गौहर वॉज राइट, ये बंदा माया के साथ फ्लर्ट कर रहा था। आओ, लेकिन कुछ कहना नहीं अभी। को तुम पे अपना हक जता, मेरा जी चाहता कि मैं उसकी जबान खींच लूं, तुम्हारा जी नहीं चाहता कि उसकी जबान खींच लूं? शुक्रिया एहसान भाई, वो फाइनल सेमेस्टर की एक स्टूडेंट है माया एहसान, जरा उसको बुलवा दो। ओके सर। अरे माया बेटा, सर मोमिन आपको ब्लॉक बी के स्टाफ रूम में बुला रहे हैं। अच्छा, थैंक यू। जी आइए। आपने मुझे बुलाया था। बैठिए। माया, मेरे फैमिली मेंबर से क्या बातें कर रही हैं? वही जो आप तस्लीम नहीं करते। आपको अंदाजा है आपकी इन बेबुनियाद बातों की वजह से मेरे लिए कितनी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं? क्यों, वो साहब अपनी बेटी से आपकी मंगनी तोड़ रहे हैं? माया, इन ख्वाबों की दुनिया से बाहर निकली है आप, अपनी इन साजिशों में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती हैं। कल शादी है मेरी। क्या? आपकी कल शादी है? अगर आपको यकीन नहीं है तो कल मेरी शादी में शामिल हो जाइए, मैं इनवाइट कर रहा हूं आपको। मोमिन, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तमीज से बात कीजिए, आपका घर नहीं है ये। मोमिन, आपको अंदाजा नहीं है कि आपको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं आपको रोकने के लिए किस हद तक जा सकता हूँ। आप पहले ही अपनी तमाम हदूद फलांग चुकी हैं। आपको अंदाजा नहीं है अगर आपके खिलाफ मैंने इस यूनिवर्सिटी में शिकायत कर दी तो पूरा का पूरा सेमेस्टर जाया हो जाएगा आपका। मोमिन, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। सेमेस्टर तो क्या, मुझे अपनी जान की भी परवाह नहीं है आपके सामने। कोई फायदा नहीं आपसे बात करने का, जाइए आप यहाँ से। आप मुझे एक बार अपना लेंगे तो मैं यहाँ से तो क्या, मैं दुनिया से जाने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मोमिन। मैंने कहा ना, जाइए आप, हद हो गई। क्या कर रही हैं? क्या कर रही हैं आप? प्लीज बस सिर्फ एक बार बोल दें कि आप मेरे में चली जाऊंगी, आई प्रॉमिस। होश में तो आए आप? क्या बातें कर रही हैं? मोमिन, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है ना, आप फिर भी प्लीज एक बार बोल दें, सिर्फ मुझे सुनना है। आप बोल दें आप मेरे में, प्रॉमिस, चली जाऊंगी यहाँ से। आप जानती हैं आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से नफरत करने लगा हूं मैं आपसे। सब क्या है मोमिन? हद है यार, हमने नहीं सोचा था तुम ऐसे निकलोगे। यानी ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप लोगों को दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस्ताद का लिबादा ओढ़ के तुम यहाँ अपने शौक पूरे करने आते हो? ऐसा नहीं है माया,
सच बताओ सबके सामने, खुदा के वास्ते मेरी इज्जत का सवाल, सच बताओ। मोमिन ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया था, वो मुझे कह रहे थे कि वो अपनी शादी के फैसले से खुश नहीं है और मैं उनसे छुप के निकाह कर लूंगी। कि झूठ बोल रही है, ये मुझे हराज भी करते हैं। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। क्या हुआ सर? सर मोमिन ने माया को कमरे में बुला के जबरदस्ती करने की कोशिश की है। नहीं, ये सब सच नहीं है, झूठ बोल रही है वो। देखें तो सही, मैंने सब रेडी कर दिया। वाओ एनी, ने वाकई में बहुत खूबसूरत सजाया है ये। क्यों ना सजाऊं? भाई की मेहंदी है मेरे। सिर्फ भाई की, बहन का तो जिक्र ही नहीं। खुशी तो भाई की मेहंदी पे होती है ना, आपके लिए तो मेरा अभी से दिल उदास है। हरी बेटा, मोमिन को फोन तो करो, अभी तक आया नहीं वो। जी करती हूँ। भाई का भी कोई हाल नहीं है, आज सुबह कह रहे थे जल्दी आ जाऊंगा और अब पहले से भी ज्यादा देर कर दी है। फोन बंद जा रहा है भाई का। मैं भी उसे ट्राई कर रहा था, उसका फोन बंद जा रहा है। कहीं किसी काम से मार्केट में तो नहीं रुक गया? नहीं, कहीं नहीं रुकना था, और अगर रुकना भी होता तो अब तक आ जाना चाहिए था उसे। इतनी देर हो रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। मुझे मालूम है आपका दिल क्यों घबरा रहा है, आपका भी मेरी तरह आपा की वजह से परेशान हो रहा है। कल ये चली जो जाएंगी। अल्लाह इसे अपने घर में खुश रखे। जब घर में बेटियां पैदा होती है ना, तो माँ बाप उसकी रुस्सती के लिए अपने दिलों को मजबूत कर देते हैं। मैं ट्राई करता हूँ मोमिन। वैसे तुम्हें बड़ा प्यार आ रहा है आज मुझ पे। मुझे तो अब अंदाजा हो रहा है कि मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। मुझे किसी ने चैन से जीने नहीं देना। एनी ये कर दो, एनी वो कर दो, एनी की तो आई अब सख्ती। तो यूं क्यों नहीं कहती कि प्यार नहीं आ रहा, कदर हो रही आज बहन की? हाँ एनी, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं घर संभाल सकती हूँ। अम्मी मैं तो मजाक कर रही थी। अम्मी भाई वैसे इतनी देर करते तो नहीं है। मुझे लगता है यूनिवर्सिटी से वापसी पर ट्यूशन के लिए चला गया, ताकि उसके स्टूडेंट्स का हर्ज ना हो। ये भी कोई बात है करने वाली? मेहंदी है आज उनकी और उनको स्टूडेंट्स की पड़ी हुई है। जिसमें मेहंदी और डालूंगा, मैं बना के लाती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है, हो गया ये डन? चल भाई, मुझे साहब ने बुलाया, खोल दरवाजा, निकाल इसको, बंद कर दरवाजा, दरवाजा बंद कर। चल तू। नंबर दे अपने घर वालों का। याददाश्त चली गई है क्या? नंबर पूछ रहा हूं।
सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है कि आप लोग मेरे घर वालों से बात करें। यकीन माने मेरी बात का झूठ बोला गया है आप सबसे। जब घर वालों से करतूत छुपाने हो तो फिर ऐसी हरकतें भी नहीं करते। मुझे तो ये भी अंदाजा नहीं है कि तेरे साथ होने के हवाला है। इबरत का निशान बनाया जाएगा तू। वो लड़की तुझे सारे जमाने में जलील करेगी ताकि आइंदा के बाद तेरे जैसा कोई शैतान इंसान तेरी लड़की पे बुरी नजर ना डाल सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तो लड़की को कमरे में क्या तूने लेक्चर देने के लिए बुलाया था? सबने तमाशा देखा था। अब दुनिया तमाशा देखेगी जब वो लड़की तुझे अदालत में लेकर जाएगी। इस दुनिया की किसी अदालत का कोई डर नहीं है मुझे, क्योंकि ऊपर वाले की अदालत जानती है कि सच्चाई क्या है। चुप कर जा। उस वक्त ऊपर वाला याद नहीं आया जब मुंह काला कर रहा था? घर वालों को बता दिया क्या चंद चढ़ाया तूने? अब तक तो खबर हो गई होगी तेरे कारनामों की। सर खुदा के वास्ते मेरे घर वालों को कुछ मत बताइएगा, नहीं सुन पाएंगे। सुनना तो पड़ेगा अपन लोगों को। इतना ही मसला था, घर वालों को बोल देता शादी कर दे तेरी, बाहर तो ना मुंह मारना पड़ता। ले जाओ से, आ जाएंगे घर वाले खुद ही ढूंढते हुए यहाँ तक। शहजाद मोमिन से रब्ता हुआ? मुझे तो इतनी फिक्र हो रही है। इतनी मर्तबा इस लड़के से कहा था कि अपने कुलीग्स में से दो चार का नंबर घर पर दे दे। कुलीग्स से क्या फायदा, वो इस वक्त यूनिवर्सिटी में थोड़ी होगा। जहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाता है वहाँ भी फरी ने कॉल की है, वो तो आज वहाँ गया ही नहीं। इसका मतलब है मेरा खदशा दुरुस्त है। कैसा खदशा? मेरा मतलब है कि वो इस मेहंदी के फंक्शन में नहीं आना चाह रहा था, वो सादगी से निकाह करना चाह रहा था। अरे तो हम कौन सा बैंड बाजा या ढोल लेकर सड़क पर खड़े? चंद एक रिश्तेदार हैं और मोहल्ले वाले बस। वैसे मोमन से ये लापरवाही की उम्मीद नहीं थी। अब देखो अगर मोमन नहीं आएगा तो हम लोगों को क्या जवाब दें? अल्लाह ना करे कि ना आए। उसे तकरीब में शामिल नहीं होना ना हो, कम अज कम लोगों के सामने हमें शर्मिंदा तो ना करे। आंसा और आशी भी परेशान हो रहे हैं कि आखिर मोमिन ने ऐसा क्यों किया। देखो जमील को तो मौका चाहिए, अगर मोमिन नहीं आएगा तो वो 100 सवाल करेगा। कैसे सवाल? पर यही कि देखो हमने उसको दावत दी कि घर में फंक्शन होगा और उन्होंने दावत कबूल कर ली। देखो इस फंक्शन में मोमिन नहीं होगा तो वो यही समझेगा ना कि मोमिन की रजामंदी नहीं है। अब जमील भाई से कहेगा कि मोमिन सादगी से चाहता था ये सब। ये दलील किसी को मुतमईन करने के लिए काफी नहीं है। देखो ना कम से कम उसको अपना फोन तो ऑन रखना चाहिए, फोन भी उसका बंद है, ताकि हम उसे इस फंक्शन में ना बुला ले। तुम ऐसा करो कि अजान से पहले पहले तकरीब को खत्म करके मेहमानों को खाना खिला के रुखसत कर। सुनो जी, मोमिन इस शादी से खुश तो है ना? मेरा मतलब है कि हमने फरीद के साथ साथ उसकी भी शादी तय कर दी। अरे बिना वजह के खदशात क्यों पाल रहे हैं आप? बस दुआ करें कि खैरियत से वो घर आ जाए। आमीन। आशी परेशान नहीं हूँ, मुझे यकीन है भाई आ जाएंगे। जिद का पक्का है वो, एक बार ठान ले कि मेहंदी पे नहीं आएगा तो नहीं आएगा। आप ये समझ लेना कि जैसे वलीद भाई नहीं आ रहे उसी तरह मोमिन भाई भी नहीं आ रहे। कोई बात हुई है तुम दोनों में? नाराज था मुझ पे। नाराज किस बात पर? शक्कर बैठी थी उस पे। शक भाई पर? शक तुम भाई पर शक कर सकती हो? मेरा दिल नहीं मानता। आपने भाई से बात नहीं की क्या? उन्होंने आपका शक दूर नहीं किया क्या? मेरी ही गलती थी, पछता रही हूं मैं। पर बात तो खत्म हो चुकी थी, मुझे अंदाजा नहीं था कि अब तक गुस्से में होगा वो मुझसे। तुम लोग तैयार हो गई लड़कियों? जी खाला, ये दोनों तैयार। गुड। वो शहजाद भाई कह रहे थे कि मेहंदी की रस्म जल्दी होनी चाहिए। अंसा,
मैं देखती हूँ। जी क्या हो रहा है सब? मोमिन कहाँ है? घर में औरतों का फंक्शन है तो मोमिन का क्या काम हुआ? मैं चेहरे से तुम्हें बेवकूफ नजर आता हूँ क्या? यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है लड़कियों को, घर की औरतों को फंक्शन में गायब, कमाल की बात करती है। उसकी गैर हाजिरी सबको बुरी लग रही है, लेकिन क्या करें, उसकी मर्जी है। मुझे तो लगता है मेहंदी से नहीं बल्कि वो शादी से भाग गया। अल्लाह ना करे, आ जाएगा। तुम्हारी बहन और बहनों के उतरे हुए चेहरे कोई और कहानी सुना है। इसे जाने दो, लड़की की माँ ने बोला है उन्हें तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी। बड़े खुशकिस्मत हो तुम जो छोड़ दिया। कोर्ट तक चले जाते ना तो पहली पेशी पे ही सजा हो जाती। तुम्हारे खिलाफ बड़े पक्के सबूत और गवाहियां हैं, जा सकते हो तुम। जोहरा बहन, अरे आई आई, हमने सोचा अपनी बेटी को अपने हाथों से मेहंदी लगा के आते। क्यों नहीं, बहुत अच्छा किया आपने। शकीला कहाँ रह गई थी तुम? मैं अभी तुम्हें पैगाम भिजवाने ही वाली थी। घर में ना कुछ मेहमान आ गए थे, इस वजह से देर हो गई। अच्छा ठीक है, आओ। जरा ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या? तुम्हारे मोमिन की तो मैं अपने बच्चों को मिसालें दिया करती थी। अब भी मेरे मोमिन को तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। उसने तो हमारी दुआएं हमारे मुंह पर मार दी है। तुम्हें पता भी है क्या गुल खिला रहा है वो? क्या शकीला, ये सारी बातें तो हम तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। मेरे ख्याल में तो इस हवाले से यहाँ पे किसी को भी कोई ऐसी बात नहीं मालूम। दिमाग खराब हो गया इन मीडिया वालों का, इनकी जरूरत कैसे हुई मेरे मोमिन के बारे में ऐसी बात करने की? क्या हुआ सर? कोई ना कोई बात तो हुई होगी। क्या बात हुई होगी? तो मीडिया पे कैसे आ गया फिर? हाँ हाँ, मैं खुद खबर देख कर आई हूँ। तौबा तौबा, आज कल की जवान औलाद से तो अल्लाह पनाह में रखे। माँ बाप ने नाम रखा मोमिन,
और करतूत देखो शैतानों वाले। शकीला तुम होश में तो हो? अरे होश तो आप देख लीजिए आपने किसके उड़ते हैं, ये देखिए। आपको गा करते जाएं कि आज एक निजी यूनिवर्सिटी में शर्मनाक वाकया पेश आया जिसमें मुअल्लम के लिबास में एक शैतान ने अपनी तालबा को ना सिर्फ हिरासत किया बल्कि उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश की। वाकये की तफसीलात कुछ यूं है कि मोमी शहजाद नामी शख्स ने 2 माह पहले ही नौकरी की शुरुआत की। तालबा को भी उनके जरिए उसने अपने कमरे में बुलाया और उसके साथ बदफेली करने की कोशिश की। तालबा अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गई लेकिन उस भेड़िया सिर्फ इंसान का फाड़ना फूट गया। तालबा के क्लास फेलोज के जरिए वायरल होने वाली वीडियो में तालबा ने कुछ इस तरह बयान दिया। मोमी ने मुझे स्टाफ रूम में बुलाया था, वो मुझे कह रहे थे कि वो अपनी शादी के फैसले से खुश नहीं है और मैं उनसे छुप के निकाह कर लूं क्योंकि बंद करो उसे। इसको बंद करने से क्या बदनामी खत्म हो जाएगी? कहता रहा मैं सबसे कि ये लड़का आंखों में धूल झोंक रहा है लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। नाम मोमिन रखने से दिलों की स्याही नहीं जाती। आंसर आशी को लेके घर चलो। इसे हालात में क्या अकेला छोड़ दे उनको, कुछ तो सोचें। तुम्हें अगर बेइज्जत होने का शौक है तो बैठो यहां पर, मैं जा रहा हूं। आशी बेटा, आशी मेरी बात सुनो बेटा, आशी नहीं, आशी नहीं, मेरी बात सुनो, मेरी जान, मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं। सॉरी बेटा, बेटा अब हमें इजाजत दो, हम चलते हैं। मेरी फरी को मेहंदी तो लगा दो। ये सब झूठ है, ये मीडिया वाले तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। तो यकीन कर ले भाई साहब कि जिसका नाम आपने मोमिन रखा था वो अपने नाम के बरक्स शैतान साबित हुआ है। Yeah.